अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ खानदेशी कलियां मांडी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये यहाँ की बहुत ही ख़ास रेसिपी है जो शादियों में और दावतों में अक्सर बनाई जाती है। तो आइए हम कलियां बनाना शुरू करते हैं। कलियां के लिए हमने 3 किलो गोश्त लिया है। 3 किलो गोश्त इसलिए लिया है कि हमने आज अपने घर पर दावत रखी है और रमज़ान में रोज़ा खुलने के बाद हमारे यहाँ लोग खाना खाने के लिए आएंगे, हमारे एक परिवार के ही लोग हैं। तो उसमें हमें 2 किलो प्याज लगेगी, 1 गड्डी हरा धनिया, हमने 200 ग्राम खोपरा क्रश करके रखा है, कुछ हम खड़े गरम मसाले भी लेंगे जिसमें तेज़पत्ता 5-6, 4 हरी इलायची और कुछ टुकड़े दालचीनी के हैं, 1 स्टार नीज है। और पीसने के लिए हमने 1 टेबल स्पून शाहजीरा लिया है और कम से कम 12-13 हरी इलायची ली है। ये दोनों को हम लोग पीस लेंगे। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 250 ग्राम है। लिए में ख़ास इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता है गुड़म्बी, जो हम 50 ग्राम लेंगे। और हमने काजू भी लिया है, काजू 50 ग्राम से कम है। 1 कटोरी भर के दही लेंगे, कुछ पीसे हुए पाउडर मसाले भी लेंगे जिसमें लाल मिर्च हमने 2 टेबल स्पून ली है, 3 टेबल स पून हमने धनिया पाउडर लिया है और 2 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है। सबसे पहले हम गोश्त में प्याज और हल्दी और नमक डालकर इसे उबलने रखेंगे। हमने मोटी मोटी प्याज काटी है जो गल जाती है गोश्त के साथ। गोश्त हम 2 बार में गलाएंगे। अभी हमने आधा लिया है, आधा इसके बाद गला देंगे। खोपरे का हमने पेस्ट बनाकर रख लिया है। अब हम कलिया बघारना शुरू करते हैं। कलिये को बघारने के लिए हमें 500 ग्राम तेल लगेगा, क्योंकि कलिये में ज़्यादा तेल इस्तेमाल होता है इसलिए हमें ज़्यादा ही तेल डालना है। अब हम इसमें खड़े गरम मसाले डालेंगे। खड़े गरम मसाले हमने आपको बताए थे। मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से तेल में मिक्स होने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन डालने के बाद उसे अच्छी तरह से भुनेंगे। अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भुनने के बाद हम इसमें पीसे हुए गरम मसाले ऐड करेंगे। पीसे हुए गरम मसालों को भी हमें तेल में कम से कम 1-2 मिनट तक भूनना है, वरना वो जल जाएंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। थोड़ा सा भून लेने के बाद हम इसमें खोपरे का पेस्ट ऐड करेंगे। खोपरा हमने अच्छा बारीक पीस कर रखा था। इन मसालों को भूनने के लिए हमें घीले की ज़रूरत पड़ेगी। पानी के बजाय हम थोड़ा सा उबले हुए गोश्त का सूप ही इस्तेमाल करेंगे और मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। ये प्याज जो उबले हुए गोश्त में थी, हम इसे भी इसमें डालकर भून लेंगे, वरना वो मुँह में भी आती है और अच्छी नहीं लगती सालन में। तो हम पहले पूरी प्याज निकाल कर उबली हुई इसमें मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। इस प्याज से मसाला भी बहुत गाढ़ा होगा और बहुत अच्छा भी लगेगा टेस्ट इससे। अब इसे ढककर कुछ देर तक पकाएंगे। देखिए, हमारी प्याज भी अच्छी तरह से घुल गई है और मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही कम से कम 150 ग्राम है। ज़्यादा खट्टा होगा तो फिर थोड़ा कम ही डालिए। अब इसे भी थोड़ी देर तक भूनते रहना है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। 10 मिनट तक धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं। देखिए, हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसके आगे के प्रोसेस करते हैं।
मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है। गोश्त डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। वन टीस्पून नमक भी शामिल करेंगे। हमने ऑलरेडी नमक उबले हुए गोश्त में डाला हुआ है। गोश्त और मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, अब हम इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे। पानी हम अपने हिसाब से मिलाएंगे, जितना अपने को गाढ़ा पतला जैसे लगता है ऐसे में मिलाएंगे। हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, पानी डालकर हमें इसे थोड़ा पकने देंगे। पानी डालने के बाद हमें चार इंग्रेडिएंट्स अभी डालने ही हैं इसमें, जैसे हमने गुड़ंदी और काजू का पेस्ट करके रखा है, और दूसरा हमारी इलायची और शाहजीरे का पाउडर बना कर रखा है, ये सब हम इसमें अभी ऐड करेंगे। हमने इसमें हरी मिर्ची भी डाली है दो तीन काट के, और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला है, और हम अब इसको पकने देंगे। हमारे कलिए को थोड़ा थोड़ा सा उबाल आना शुरू हो गया है। हमारा कलिया बहुत ही मज़ेदार बना है, अब हम इसमें नमक टेस्ट कर लेंगे, कम या ज़्यादा होगा तो उसे ठीक कर लेंगे। हमारा कलिया बनके तैयार हो गया है और बहुत ही टेस्टी बना है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा कलिया बनके तैयार है, हमने मांडे बाहर से ऑर्डर कर लिए थे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।